करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण किया है, जिसका शिलान्यास सिमधामी के हाथों होना है। तो वही उत्तराखंड के चारों धाम तक पहुंचने में हवाई यात्रियों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। इस बार उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग राज्य में हवाई सेवाओं को लेकर कुछ नए बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद हवाई सेवा को लेकर ब्लैक टिकटिंग और धोखाधड़ी से श्रद्धालुओं को निजात मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि IRCTC को टिकट की जिम्मेदारी देने पर पारदर्शी टिकट की बिक्री हो सकेगी। इससे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास ये जिम्मेदारी थी। उधर डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का मतलब टिकट की मांग बढ़ने के साथ हेलीकॉप्टर सेवा के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, इससे भी ब्लैक टिकटिंग कम होगी। और उधर जिन टिकटों को आरक्षित रखा जाएगा उन्हें अति आवश्यक स्थिति में श्रद्धालुओं या VVIP के साथ स्टाफ को उपलब्ध कराया जाएगा। तो यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज हो चली हैं और हवाई सेवा में नियमों की बदलाव की तैयारी भी है। टिकटों का जो है ब्लैक मार्केटिंग की या उच्च दामों पर उनकी बिक्री की जो शिकायतें आती है, तो उसको देखते हुए इस बार ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो रेलवे डिपार्टमेंट का IRCTC जो कॉरपोरेशन है, जो रेलवे की पूरी बुकिंग व्यवस्था करता है, तो उनके साथ CEO उकाड़ा की चर्चा चल रही है और अंतिम दौर पर ये चर्चा है और उसको फाइनल करते ही तो हम लोग उन्हीं के माध्यम से इस बार बुकिंग के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता किशोर, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। किशोर, चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं हवाई यात्रियों को लेकर अब बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने जा रहा है, जिसके जरिए पारदर्शिता कहीं ना कहीं आएगी। बिल्कुल, चारधाम यात्रा जिस तरीके से बाय रोड होती है, पैदल मार्ग से होती है, अब हवाई मार्ग से भी होती है। तो ऐसे में 2019 में 3 साल के लिए टेंडर किया गया था और फिर अब 2023 में 3 साल के लिए टेंडर किया गया है, जिसमें जो हवाई सेवा देने वाली कंपनियां उनको टेंडर में आमंत्रित किया गया है। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भीड़ को देखते हुए जो बुकिंग है वो भी बढ़ाई जा सकती है, हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही केदारनाथ जो सबसे कठिन मानी जाती है वहां के लिए हेलीकॉप्टर, दिनाथ के लिए हेलीकॉप्टर, हेमकुंड साहिब के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा है। तो ऐसे में हालांकि चारों धामों में है, लेकिन यमुनोत्री की अगर बात करें तो यमुनोत्री में खरसाली तक जाता है, वहां से पैदल जाना पड़ता है। जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कई शिकायत मिली थी और कानूनी कार्रवाई भी की गई थी कि अक्सर ब्लैक मार्केटिंग की जाती है टिकटों की और ऊंचे दामों पर भेजा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टिकटों की बुकिंग है वो अगर कोई व्यक्ति अगर टिकटों की बुकिंग करता है और उसका टिकट उसका कैंसिल हो जाता है, वो जाता नहीं है, तो उसका टिकट तत्काल कैंसिल कर दिया जाएगा। अक्सर ये देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने नाम से टिकट बुक कराता है और ऊंचे दामों में दूसरे को व्यक्ति को भेज देता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नई टेंडरिंग व्यवस्था की गई और फौरी तौर पर फिलहाल गढ़वाल मंडल विकास निगम इस टिकट को बेचेगा। उसके बाद जो IRCTC है वो इस टिकट की उसको बिड रखी गई है, वो इस टिकट के आवंटन करेगा। तो कुल मिलाकर इसमें पूरा एक प्रारूप बना लिया गया और जल्द ही टेंडर खुलेंगे और ये पता लग जाएगा कि कितनी कंपनियां और इसे यात्रियों को सीधा कहीं ना कहीं सहूलियत होगी, क्योंकि अक्सर धोखाधड़ी का शिकार भी उनको होना पड़ता था। फिलहाल बहुत